येलोइश व्हाइटिश एकदम लो। सो सबसे पहले टच करूंगा देखिए येलोइश, उसके बाद टच करूंगा व्हाइटिश, उसके बाद अगर टच करूंगा देख सकते हैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, दिस इज डिम लाइट। ये नाइट लैंप के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर इसको रखा, ओके देखिए चार्जिंग हो रहा है। वेलकम दोस्तों टू अ न्यू वीडियो, चाहे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं अनबॉक्सिंग वीडियो तो आएगा ही। मेरे पास आ गए नया प्रोडक्ट और एक स्टडी लैंप, लेकिन इसमें कुछ खासियत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये मिलेगा, दिस इज यूजर मैनुअल, साथ ही साथ एक यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल भी इसमें दिया गया है। एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, स्टडी लैंप बोल सकते हैं, वायरलेस चार्जर बोल सकते हैं या फिर एक रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी तक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं। दोस्तों आपको क्लियर व्यू शायद नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, मेरा टी शर्ट भी डार्क है, थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ। सो दिस इज द लैंप, आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी यहाँ पे है, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे पेन होल्डर जैसा भी दिया गया है। एंड ये जो वायरलेस चार्जर है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, वायरलेस चार्जर, पेन होल्डर एंड दिस इज यहाँ पे एलईडी है। दोस्तों अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी इज ओके, प्लास्टिक मेड है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। नीचे की तरफ एक अच्छी बात है, यहाँ पे ग्रिप दिया गया है, चारों पोर्शन में देखिए ग्रिप दिया गया है, ताकि आप अगर इसको फ्लोर के ऊपर रखें या फिर टेबल के ऊपर रखें तो ये स्किड ना हो, इसके लिए रबर ग्रिप दिया गया है, दैट्स अ गुड साइन। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लैंप को अभी ऑन करेंगे, चलिए लैंप को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरे नियर बाय कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है जिससे मैं कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ इसको, लेकिन मेरे पास है पावर बैंक। सो पावर बैंक से मैं इसको कनेक्ट करके आपको थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। सो कंपनी की तरफ से जो यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया था, दिस इज जो माइक्रो यूएसबी साइड है उसको इसके बैक में प्लग कर देंगे। बैक में देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा देता हूं। सो देख सकते हैं दिस वन यहाँ पे प्लग करना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्लग कर लिया है, ओके। सो प्लग करने के बाद अभी अगर मैं ऑन करना चाहूं तो ऑन का स्विच कहाँ है? दोस्तों दूसरे लैंप में जो ऑन का स्विच दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन इस लैंप पे कुछ अलग है, इस लैंप पे जो स्विच है यहाँ पे दिया गया है। सो थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑन का स्विच दिया गया है। सो दिस वन यहाँ पे ऑन वाला स्विच है। सो अभी थोड़ा सा जूम आउट करता हूं एंड आपको दिखाता हूं। दोस्तों इसको ऑन करने के लिए ऊपर जो टच स्विच दिया गया है जिसमें मैं टच करूंगा, सो मैं टच कर रहा हूं, देखिए ऑन हो गया, दिस इज योलेश, फिर टच किया व्हाइटिश, फिर टच किया, देखिए ये जो है ये बैलेंस्ड है, ये लो में है। ब्राइटनेस कैसा है सबसे ज्यादा, जब ऑन होगा मैं फिर से दिखाता हूं। सो सबसे ज्यादा योलेश में एकदम ब्राइट, फिर व्हाइटिश है, थोड़ा सा लो होगा और उसके बाद जो होगा ये बैलेंस्ड है, ये एकदम लो में है, और उसके बाद टच करूंगा तो बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके साइड में इसको घुमा देता हूं, देखिए मैं टच करूंगा। सो फर्स्ट टच में दिस इज योलेश, सेकंड टच व्हाइटिश, थर्ड टच बैलेंस, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही लो हो जाएगा, एंड उसके बाद टच करेंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, घर का जो मेन लाइट है उसको बंद करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो देखिए लाइट को मैंने ऑन कर लिया, दिस इज ब्राइटिश, योलोइश में है, उसके बाद फिर से मैं टच करूंगा, ये व्हाइटिश में आ गया, फिर टच एकदम लो में आ जाता है, ये बैलेंस में है, फिर बंद, योलोइश व्हाइटिश एकदम लो। दिस इज नाइट लैंप के हिसाब से भी इसको आप पास में रख सकते हैं,
काम में ले सकते हैं इसको। एंड इसके बाद फिर से टच करेंगे। सो दोस्तों मेरे पास जो लाइट मीटर है, मैं लाइट मीटर लाया नहीं, सबसे पहले देख के लग रहा था योले सबसे ब्राइट है, उसके बाद व्हाइट इज थोड़ा कम ब्राइट है, एंड जो बैलेंस वाला है वो सबसे लो है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि येलोइश और जो व्हाइटिश है वो ऑलमोस्ट सेम है, मुझे तो उतना ज्यादा डिफरेंस अभी मालूम नहीं चल रहा। शायद मैं लाइट मीटर से अगर टेस्ट करता था मुझे और डिटेल में मालूम चलता था। सो आग से ही बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली जो येलोइश और जो व्हाइटिश है दैट इज सेम। एंड थर्ड वाला जो लाइट है, अभी टच करूंगा तो थर्ड वाला लाइट देखिए ऑन हो गया। ये जो है ये नाइट लैंप है। सो मेरे साइड में तो क्लियरली दिख ही रहा है, आपके साइड में ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। ओके, आपके साइड में इसको ट्विस्ट कर दिया। सो सबसे पहले टच करूंगा देखिए योलेश, उसके बाद टच करूंगा व्हाइटिश, उसके बाद अगर टच करूंगा देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, दिस इज डिम लाइट। ये नाइट लैंप के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद टच करूंगा बंद। एक्चुअल में आपको कितना समझ में आ रहा है मालूम नहीं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ इसको अगर ऐसा कर दूंगा सो इट्स अ डिसेंट लाइटिंग, बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं बोल सकता। लैंप के बारे में इतना सारा पॉइंट्स तो डिस्कस किया, लेकिन इसका जो मेन यूएसपी है वो तो डिस्कस ही नहीं किया। चलिए इसके लिए एक आईफोन देके आपको दिखा देता हूं। दोस्तों मेरे पास आ गया एक आईफोन 12 मिनी, थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। दिस इज आईफोन 12 मिनी। सो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं चार्ज करके दिखाऊंगा। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, और थोड़ा। ओके, सो देखिए दिस इज फोन, इसके ऊपर इसको रखा। ओके, देखिए चार्जिंग हो रहा है। फिर से देखिए दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी वायर कुछ नहीं है। सो इसको इसमें टच करूँगा मैं। सो देखिए चार्जिंग चालू हो गया, चार्जिंग फिर से चालू हो गया। फिर से इसको हटा दूंगा, देखिए लाइट को बंद करता हूँ। एंड इसमें आपको और क्लियरिटी के लिए और पास से दिखाता हूँ। देखिए बैटरी का साइन देख रहे हैं ऊपर में। सो फिर से चार्जिंग जो है चालू हो गया। सो दिस इज द मेन यूएसपी, ये एज अ वायरलेस चार्जर भी काम करता है। दोस्तों मैंने इंडियन मार्केट में जितना सारा सर्च किया तो दूसरा लैंप मुझे अभी तक नहीं मिला जो स्टडी लैंप भी और साथ ही साथ वायरलेस चार्जर के भी काम कर दे। सो मैं फिर से एक बार रख के दिखाता हूँ। फिर से मैं इसको रखा यहाँ पे, वायरलेस चार्जिंग चालू हो गया। बस आपका जो फोन है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो आईफोन हो या फिर दूसरा कोई फ्लैगशिप फोन, लेकिन उसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहना चाहिए। दोस्तों ये जो लैंप है ये फ्लेक्सिबल है, आप लोग देख सकते हैं, इसको कैसे भी आप बेंड कर सकते हैं। ऐसे देखिए कैसे मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा जो शर्ट है ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूँ। देखिए इसको मैं ट्विस्ट कैसे कर सकता हूँ, इसको बेंड कैसे कर सकता हूँ, इसको किधर भी ट्विस्ट करो मतलब तोड़ो मरोड़ो फिर भी ये काम करेगा। फिर से मैं कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर से मैं कनेक्ट किया एंड इसमें मैं टच करूंगा, देखिए ऑन हो गया। सो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका बहुत ही अच्छा है। दोस्तों एक चीज मैं अंधेरे में दिखा नहीं पाया, ये जो आईफोन 12 मिनी है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। सो आईफोन 12 मिनी है, इसमें कवर चढ़ा हुआ है। सो थोड़ा सा कवर को ओपन कर लेता हूँ मैं, प्लास्टिक का कवर है। सो देखिए ये हल्का सा सिलिकॉन या फिर प्लास्टिक बोल सकते हैं कवर है, ऐसा ही नहीं कि मैं डायरेक्ट इसमें चार्जिंग किया और चार्जिंग हो गया, कवर चढ़ा हुआ रहेगा एंड फिर भी ये चार्ज होगा। सो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। ओके, एंड इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गया। सो दोस्तों आपको पहले ही बताया, इसको आप ऐसा पेन होल्डर भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज पेन, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा पेन होल्डर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो एक बुक या फिर दो कॉपी, दो बुक एक कॉपी रख के पढ़ाई करते हैं, नॉर्मली जस्ट एक कॉपी लेके बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़ते हैं। सो हम लोग जो अल्टीमेट टेस्ट है वो भी टेस्ट करके देखेंगे, इसके लिए पहले हम लोग लाइट को कर लेते हैं बंद। सो दोस्तों लाइट को हमने कर लिया है ऑन।
अभी देख सकते लाइट ऑन है। सो फर्स्ट वाला जो मेरा डायरी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो देख सकते हैं इसमें सफिशियंट लाइट आ रहा है। एंड जो सेकेंड वाला मेरा डायरी है इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ये लाइट भी सफिशियंट है। एंड थर्ड वाला अगर मैं ओपन करूँगा सो ये कॉर्नर में रख लेता हूँ। ये हल्का सा मुझको कम दिख रहा है, मालूम नहीं आपको वहाँ पे कैसा दिख रहा है। अगर ये जगह पे मैं ऐसे थोड़ा एडजस्ट करूँ तो भी यहाँ पे थोड़ा सा इसका आधा सही से आ रहा है एंड इसका आधा से ज़्यादा जो है वो सही से आ रहा है। ये जो पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है एंड धीरे 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 इधर जाऊँगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। नॉर्मली तो शायद आपको उतना अच्छे से मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरा जो हाथ है वो देख के एक क्लियर आइडिया आपको मिल सकता है। सो योलोश में तो देख लिया, लेकिन हम लोग पढ़ने के टाइम पे मैक्सिमम व्हाइट लाइट में पढ़ते हैं। सो थोड़ा व्हाइट कर लेते हैं लाइट को। सो देखिए व्हाइट में भी ऑन हो गया। सो यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट डायरी, दिस इज फर्स्ट डायरी, इसका जो 70% पोर्शन है दैट इज सफिशियंट लाइट है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप डायरी देख सकते हैं इसका भी अराउंड 60-70% है। मैं पूरा यहाँ पे क्लियरली ये भी लाइट आ रहा है एंड इसमें भी लाइट आ रहा है। लेकिन क्या है ना कि आप देखिए यहाँ पे जितना इंटेंसिटी है धीरे 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 ऐसा कम हो जाएगा। हो सकता है कि कॉर्नर में थोड़ा सा आपको लाइट कम लगे, लेकिन जो मिडिल पोर्शन है इसको आप हाइट थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मालूम चलेगा जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे तो लाइट सफिशियंट है। दोस्तों ये वाला जो लैंप है ये बहुत ही न्यू लॉन्च किया है, तो मैंने जितना सारा वेबसाइट में सर्च किया तो मुझे वारंटी के बारे में उतना डिटेल में नहीं मिला, बॉक्स में भी नहीं मिला, यूजर मैनुअल में भी नहीं मिला, तो वारंटी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको किसी को मालूम रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वायरलेस चार्जर का बात आ ही रहा है तो व्हाट इज द चार्जिंग स्पीड। दोस्तों इसमें जो चार्जिंग स्पीड आउटपुट दिया गया है वो है 5 वाट, 7.5 वाट और 10 वाट। अगर आपके मोबाइल को 10 वाट के हिसाब से चार्ज करना है तो फिर इसमें क्वालकॉम 3.0 जो चार्जर है वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कनेक्ट करने के बाद आपका जो फोन है उसको 10 वाट की स्पीड से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लिंक में क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं। Like a bird on a tree.